कोई लोग ना धान की लवाई भी करने लग गए हैं, तो इस तरह से ना खेत भी अब धीरे धीरे तैयार होने लग गए हैं। ये घास के लिए जा रही है, वहीं से हाथ हिला रही है आप सभी लोगों के लिए। कल को है खतोड़वा, खतोड़े की तैयारी हो रही है। एक दिन ककड़ी काटते हैं, सुबह सुबह खीर भी बनाते हैं, और कल मैं खीर नहीं बनाऊंगी, घास लेके जा रही है, यही भेजने वाली है मेरे लिए खीर। हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार देवभूमि उत्तराखंड के खरई क्षेत्र से। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार और पहलाग। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर लेते हैं। अभी इस टाइम मैं आ रखी हूँ अपने खेत में घास काटने के लिए। मॉर्निंग के 8:30 बज चुके हैं और 8:30 बजे ही इतनी चटकती वाली धूप आ गई है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो धान के खेत भी ना लगभग तैयार होने लगे हैं, कोई कोई लोग ना धान की लवाई भी करने लगे हैं, तो इस तरह से ना खेत भी अब धीरे धीरे तैयार होने लगे हैं, धान भी, मड़ुआ भी, माजरा भी। चलिए जी, सबसे पहले यहाँ पे फटाफट से घास बना लेती हूँ, उसके बाद मिलूंगी आप सभी लोगों को। तो फाइनली आ चुकी हूँ घर में। घर में आने के बाद सीधे हाथ पैर धोने के बाद ना मैंने सबसे पहले दाल चढ़ाई। दाल आज मैंने ना भट की चुरकानी बना रखी है, तो उसको गैस पे चढ़ा के यहाँ पे आ रखी हूँ बाहर पे। पीना बहुत ज्यादा तेज हो रही है अभी, तो बकरी यहाँ पे मस्त होकर पानी पी रहे हैं और इनका पेट लगभग फुल हो गया है, तो इनको अब गोड़ बांधने की तैयारी हो रखी है मेरी। आज टाइसन को ना यहाँ पे अकेले बांध रखा है। अभी यहाँ पे हर्षुल आ गया है गर्मा गर्म पूरी। आज इनके भैंस का पौधान था, हो गया पौधान पूजन। थैंक यू। अरे वो अम्मा वैसे तो दोस्तों हमारा दोपहर का लंच भी एकदम से बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं अभी के लिए ला रखी हूँ। अभी ना आज इसको मैं टिफिन नहीं ले गया था, इसको बहुत ज्यादा भूख लग रखी है। तो आजकल आइस के भी एग्जाम चल रहे हैं, तो आइस भी ना आ गया है जस्ट ही। तो चलिए जी, अब दोपहर का लंच भी करते हैं, फिर मिलूंगी आप सभी को शाम के टाइम। तो अभी इस टाइम मैं आ रखी हूँ अपने खेत में घास के लिए। बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मौसम हो रखा है, खिलखिलाती हुई धूप लग रखी है, और साथ में है हमारी बुआ जी और एक मामी लगती है और एक मेरी देवरानी। तो आते आते यहाँ पे रश्मि ने सीधे गांठ लगा दिया है, आज यहाँ पे मड़ुआ तोड़ रही है और बुआ घास काटेगी। तो बुआ ना रश्मि से कांटा निकलवा रही है, बुआ के हाथ में ने कांटा चुभ रखा है। रश्मि ने यहाँ पे बुआ जी का कान निकाला, हाथ में कांटा चुभ रखा था, और रश्मि ने बुआ बुआ मेरा गांठ लगा, तो बुआ जानी गौ पास लगे हेलो आम मुड्डो को गोड़ में मार दे से। अभी हमारा थोड़ा बहुत घास हो गया है, थोड़ा बहुत और बना रहे हैं। और आज मेरी बुआ ना बहुत टाइम के बाद मेरे ब्लॉग में आ रही है और ऐसा बोल रही कि मैंने थोड़ा बहुत घास काट रखा था, सब भीग गया, सब सड़ गया कह रही है। बुआ थोड़े बहुत घास सड़ पड़ा। और कल को है खतोड़वा, खतोड़वे की तैयारी हो रही है, मतलब खतोड़वे की ये तैयारी हो रही है। खतोड़वे के दिन बहुत सारा घास गाय भैंसों को खिलाया जाता है, हद से भी ज़्यादा, मतलब अनलिमिटेड। तो इसीलिए बुआ दूसरा गुड़ा घास का बना रही है यहाँ पे। तो इस खेत में जो वाली घास हो रखी है ना, इसको हमारी बकरियाँ नहीं खाती है। तो मैंने कहा बुआ आ जाए, इस खेत में जो घास हो रखी है इसको ले जाएगी, कल को खतोड़वे के दिन भी काम आ जाएगा ऐसा करके। बुआ इल्ल बतूने की बुआ बारिश वजल को दो नुकसान हो, होता है नुकसान हो, धान लो टूट पड़ी, शायद धान टूट रही सब, धान भी मो पड़ी बड़ा इल गरीब है खे। वैसे हमारी बुआ बहुत ज्यादा मेहनती है, अकेले इतना सारा कारोबार कर रखा है इसने, धान भी बो रखे हैं, भैंस भी पाल रखा है। तो बुआ बोल रही है ना मेरे को कल खतोड़वे के दिन ककड़ी देना करके, खतोड़े के दिन ककड़ी काटते हैं, सुबह सुबह खीर भी बनाते हैं, और कल मैं खीर नहीं बनाऊंगी, घास लेके जा रही है, यही भेजने वाली है मेरे लिए खीर। भेज रही ने खीर में ऊपर तो कल की जो खतोड़वे दिन की खीर है वो इसी के घर से आने वाली है मेरे लिए। गाजो काटो स्वर्गो गाजो किला काटो हम गरीब आदिम भया हम काबट को लूनो तो दू डबल तिल तो सब घास सड़े दे को नहीं आप मैं कम मैं क्यों नहीं कि धान करूं मीन सब गाजो हाजो मीन सड़े हलो दियोल में और भता नुकसान कर लो भतेर शीलन उन्हें।
हमारे खेत के जस्ट बगल में ताईजी लोगों का खेत है। इस खेत में बो रखी है गहत, तो गहत की बेल इस तरह से ना बाजूर के पेड़ में जा रही है। बहुत अच्छे खासे गहत हो रखे हैं। तो यहाँ पे हमारी एक पांच गांव की चाची भी जा रही है घास के लिए। खाओ जनहा, ये घास के लिए जा रही है, वहीं से हाथ हिला रही है आप सभी लोगों के लिए और हमारे लिए। जाओ फिर जाओ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर में और शाम के 6 बज चुकी हैं अभी इस टाइम। और अभी इस टाइम मैं आ रखी हूँ अपने छत में। तो छत में आज मैंने मड़ुआ यहाँ पे धूप में डाल रखा था, तो आज बंदर भी नहीं आए। धूप में अच्छी तरह से हल्का फुल्का सूख गया, मतलब जो पानी था वो सूख गया है। अब इसको उठा के रख देती हूँ बरामदे के नीचे से, क्योंकि रात में ना अचानक से बारिश भी आ सकती है, इसलिए मौसम का कोई भरोसा नहीं है आजकल। मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे, मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की आज मैंने मिर्ची भी छत में डाल रखी थी, पूरी इस तरह से फैला रखी थी। नीचे ना आम के पेड़ से अच्छी तरह से धूप नहीं आ रही है, इसको भी फटाफट से उठा लेती हूँ। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी को फिर से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।